व अजवाजुहू उम महत सदा खलम व सदा का रसूल नबील करकरीमी इन व मलाईकू युसल्लूनआल नबी याज़ीन आमनु सलुआल वसलम तसलीम असला तोलामिक या सैद या रसूल्ला वली का वह का या हबीबल्ल الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أولى النبيين ويا آخر النبيين مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد ताजरसल्का वतन महमदुन सादकवालकलीमी मुहमदन ज़िक्र रूहलअसा महमदन शश्र फ़रदाआलमी रबलम दा इमन आबादा अला, अला हबीबिका खैर ख़लक़ुल हिमी अल्लाह तबारक वाल जला जलाल वमन अवाल व तम बुरहान हो वाज़मा शान हो वजला ज़िक्र हो वज़् इसमू की हमदोसना और हज़ूर सरवर कायनत मफ़र मौजूद जीनत वज़म कायनत दस्तगिर जहाँ गमगुसार ज़मा सैद सरवरा हामी बेकसा कादुलमरसलिन ख़ातमन नबीन अहमद मुजतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल वबी वबारक वसलम के दरबार में हरबार में सलाम अर्ज़ करने के बाद अलकम व वबरक नाजरीन हाजरीन सामीन जलाल के फ़ल और और से रमदानुल मुबारक के मुनवर मुतबरक मुतर्रक़र लम्हात में सत्ताईसवें फाहमदी कोर्स का सिलसिला जारी है तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ से हज़रत शाह जलाल रिसर्च सेंटर से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालहू सब को कुरान और सुन्नत का फाहमत फ़रमाए और कुरान इबलाग और सुन्नत के अबलाग तबलीग और इस पर अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए उमिन हज़रत अल्लाहु ताला तहा के योम विसाल की मुनासबत से आज का फामदी का सबक उनकी मुकद्दस हस्ती के बारे में है रब़ुलजाल आपके दरजात को बुलंद फ़रमाए और खल के कायनत जला जलाल आपके फ्यूज़ व बरक़ात से हम सब को हिस्सा अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तुतरान इस्लाम को आपके फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए इस कायनात के अंदर सईदलमसलिन ख़ातमनबीन अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की नस्बत से जिन नफुस कुदसिया को अज़मत मिली उनमें उमहतुलमोमिन रदी ताला तहन्ना एक मुनफरिद मकाम के साथ मौजूद हैं कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जलाल ने मुरसलीन ख़ातमन नबीयीन अहमद मुशतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम का तज़करा सूर अहज़ाब के अंदर इस अंदाज़ में किया कि आपके ज़िक्र के साथ आपकी अजवाज मतहरात का जिक्र किया और फिर अजवाज मतहरा के साथ पूरी उम्मत के ममिन का ज़िक्र किया और एक नस्बत की बुनियाद पर जो सब को अज़मत मिली खाल के कायनात जल्ला जलालू ने उस नस्बत का इजहार फरमाया रबज़ुलजल फरमाता है अन नबी नबीयू अवला बिल मिनी मिन अनफ कि हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लासम मुसलमानों के उनकी जान से ज़्यादा मालिक हैं अकरब हैं हैं और मालिक हैं अजवा जो हूँ उम्म तो हूँ और रसूल अकरम अलैहि वसल्लम की अजवाज सारे मुसलमानों की माए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नस्बत है अजवाज की अजवाज जो हूँ आपकी अजवाज तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब होने की वजह से इन अजवाज को वो मकाम व मरतबा मिला कि कोई दूसरी ख़वा अपने जो दो तकवा की बुनियाद पर ऐसा मकाम व मरतबा हासिल नहीं कर सकती या नसा अन नबी लस्तुल्ला का निसा दूसरे मकाम पर जलाल फरमाता है कि ए रसूल अकरम वसल्लम की अजवाज तुम दीगर अजवाज में से किसी की तरह भी नहीं हो यानी तुम्हारा मकाम व मरतबा सबसे बुलंदोबाला है तो अजवाज मुतहरात की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत जो के नस्बत होने में एक लम्हा जब गुज़रता गया और पहले एक आम खातून थी लेकिन फिर वही ख़ातून जब जोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाई तो इसी वक्फे के अंदर उन्हें वो मकाम व मरतबा मैसर आया कि जो दूसरी ख़वात बतौर फ़र्ज सदियों में भी वो मकाम व मरतबा अपने अमल की बुनियाद पर हासिल नहीं कर सकती और साथ उम तो हम यहाँ पर अजवाज मतहारत की नस्बत है मोमिन की तरफ तो अजवाज मतहारात की दो नस्बतें हैं एक बहसीियत जवजा होने के और दूसरी बहसीत उम होने के तो बहसीत जवजा होने के उनकी नस्बत रसूल पाक सल्ला वम की तरफ की गई और फिर सरकार से जब वो फ़ैज़ याफ़्त हुई तो इस बेस पे इनको फिर इतना बड़ा मरतबा व मकाम मिला कि ये करोड़ों अरबों लोगों की माएँ करार पाएँ उम हाथ तो हम किसी एक मोमिन की माँ का बड़ा शरफ़ है कि वो एक तोहद प्रस्त की माँ है ये वो खुशब ख़वात हैं कि जो करोड़ों मुसलमानों की माँ हैं और ये वसफ़ भी उन्हें रसूल अक्रम सल वम की नस्बत से फ़ैज़ याब होने के फ़ौर बाद हासिल हुआ और इसमें भी देर नहीं लगी यानी उम्मुल उमिनीन उसी वक़्त बन गई जब वो जौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाई तो यानी इतनी फास्ट है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत कि उस नस्बत से बंदा जब मनसूब होता है तो इतनी अज़मत पाता है कि आगे अज़मत देने के काबिल भी हो जाता है तो अजवाज मतहारात की नस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फैज़ लेने के लिहाज से है और ममिन की तरफ फैज़ देने के लिहाज से है और इस कदर मकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाज़ने वाला है कि एक लम्हे के अंदर इन्हें इतना नवाज़ा कि ये आगे वो फ्यूज़ व बरक़ात औरों की तरफ मुंतिल करने के लिहाज से इस काबिल हो गई कि बक वक्त उन्हें लाखों करोड़ों अरबों इंसानों की माँ होने का जो है वो शरफ़ हासिल हुआ और उनके लिए अपने बच्चों के लिए क्यामत तक के ममिन के लिए उन्हें नवाजने के लिहाज से भी उन्हें रबुलजल ने रसूल पाक सल वसलम की नस्बत की बुनियाद पर ये मकामों मरतबा अता फ़रमा अकायद के लिहाज से इस आयत के इस हिस्से की जो बातें हैं वो एक मुस्तकिल मजमून है और इसमें यहाँ नबी अकरम सल् वसल्लम के घर की तरफ उम्मत की नस्बत का जो फ़लसफ़ा है वो भी एक मुस्तकिल मौजू है यानी रसूल पाक वसल्लम के घर की तरफ़ मनसूब होना ये हर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ है और उधर सरकार की ज़ात यह है कि <खँण> माकाना मुहम्मदुन अबा आदिन मर्रजालकम <खँण> वलकिल रसूल अल्लाबीन <लाही> के हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं तो हर एक चाहता है कि मैं जो बैत रसूल सल अल्ला वम है उसकी तरफ मनसूब हो जाऊं एक तरीका ये था कि ये सरकार दो आलम सल्ला वसम को अपना अब कहकर वालिद कहकर अपनी नस्बत सरकार के घर की तरफ़ करता लेकिन वो ख़त्म नबूत की बुनियाद पर उससे तो रोका गया मगर रब ने महरूम भी नहीं रखा कि सरकार को तो यह अपना बाप नहीं कह रहा लेकिन सरकार की जोजा को ये अपनी माँ कह रहा है तो इससे भी यानी दरमियान के फ़ासले सारे सिमट जाते हैं कि हर उम्मती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब है इतना अक्रब है कि अजवाज़ जो हूँ हम कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज हैं घर वालियाँ हैं वो सारे मोमिनों की माएँ हैं तो इस बुनियाद पर मोमिन दर रसूल से अजनबी नहीं मोमिन दर रसूल से दूर नहीं और मोमिन जो है वो दर रसूल के लिहाज से दरमियान में उसके कोई बोध नहीं है चूँकि ये वो घर है जिसमें मोमिनों की माएँ रहती हैं और इस घर से मोमिन को वो शफ़कत मिलती है जो माएँ अपने बेटों को अता कर सकती हैं और आम माएँ वो दे ही नहीं सकती जो उमहतलम अपने बेटों को मोमिन को जिस अंदाज में नवाजने वाली हैं तो अजवाज मतहरात में से सरफ़रिस्त हजरत सैदा ख़दीजतुल्कुब्रदी अल्लाह तन्हा हैं कि नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआज़म सलील वसम ने सबसे पहले इन्हें अपने अकद निकाह में कबूल फ़रमाया और फिर इस लिहाज से इनकी बहुत सी अवलियात भी हैं और खसाइश हैं और बहुत वजू से आपका मकाम व मरतबा वाज है हज़रत सदा अल्लाहु ताला तह का नबी अक्रम नूर मुजस्सम शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकदे निकाह में आना ये भी इंतब रबाल है चूँकि हमारे आका अलैहि वसल्लम के अब को जब रब ने खुद चुना है तो उनसे कई दर्जा पहले जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज हैं इनका इंतखाब भी खुद जुल जलाल ने किया है तो सैदा खदीरतुब्रदी अल्लाह तलाहा जो कि अपने अवसाफो कमालात के लिहाज से ताहिरा कहलाती थी यानी अपने अवाफ अपने जाती कमालत के लिहाज से रसूल अक्रम वसल्लम के लिए चूँकि अज़ल से उनका इंतखब था तो जलाल ने यानी उनके अंदर ऐसी खसूसियात शर्म व हया, अदल इंसाफ़ शुजात फहमो फरासत ये शुरू से ही उनके अंदर वदियत फरमाई थी मालदार होने के लिहाज से तिजारत के शोबे के साथ तल्लु के लिहाज से जब आपने रसूल अकरम नूर मुजस्म शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी को अमीन होने के लिहाज से सुना तो आपने ये चाहा कि नबी अकरम नूर मुजसम शफी मज़म स तजारत के अमूर की निगरानी फरमाएँ तो इस बुनियाद पर अलकामिल के अंदर ये तफसी से इबन असीर ने लिखा है कि जब उनके तजारत के मामलत के लिहाज से उनके ग़ुला मैसरा के हमरा नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मज़म सल वसम शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए तो इस दौरान रसूल पाक सफ़र में कुछ ऐसे कराइन, दलाइल मोज़जात कमालत मैसरा ने देखे कि उन्होंने वापस आकर नबी अकरम सल वम का तारफ़ अपने लफ्ज़ों में कमालत की रोशनी में हज़रत सदा खदीजतुल्कब्र रदी अल्लाह तहा को करवाया अलका के अंदर ये लिखा है फनाजाला रसूल सल वम फ़ील शाहजातिन करीब में आते राहिब कि एक राहिब के इबादत ख़ाने के करीब रसूल अक्रम वसल्लम एक दरख्त के साय के नीचे आराम फरमा हुए तो उस राहिब ने बाहर झाँक के देखा और मैसरा से ये पूछा मन हाजा ये कौन शख्सियत हैं फकाला मैसरा हाजा रजुलुमिन क्रैश ये क्रैश के एक फ़र्द हैं मक् मुकरमा से आए हैं फ़काल राहिब मा नज तहता हाज ही शाहजारा अबी तो राहिब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी ही बैठते हैं तो ये इस दरख्त के नीचे बैठे हैं तो फिर मैं इनके बारे में तो मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि ये आम इंसान नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला के नबी हैं इसके बाद सफ़र के अंदर इस चीज़ को भी हज़रत खदीजा अल्लाह के केलाम मैसरा ने देखा इज़ाकानतिल हाजरा जब दोपहर का वक्त होता था जरा मलाक़ैन तो मैसरा देखते थे कि दो फरिश्ते आते थे युजिल्ला ही मिन शम्स तो वो अपने पर फैलाते थे ताकि रसूल अक्रम सम को धूप ना लगे ये तमाम भी दौरान सफ़र मैसरा ने देखा कि सरकार अगर ऊँट पर बैठे हैं तो धूप नहीं लगती थी रसूल अक्रम सम को कि फरिश्ते आकर साया करते थे फलम अकादीमा मक्का था जब मक्का मकरमा वापसी हुई तो तजारत के लिहाज से भी बहुत बरकत ज़ाहिर हुई नबी अक्रम सल्ह वसम के तशरीफ़ ले जाने की वजह से और मैसरा ने फिर राहिब का कौल भी हजरत खदीजा रजील् तहा को सुनाया और फिर फरिश्तों की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो साया किया जाता था उसका भी ज़िक्र किया वकानत खदीजा तो उमरा हाजिमतन आकिलतन शरीफतन शरीफ़तान मा मा अरा मिनकरा मतहा तो उस बेस पर करब जलाल ने जो अज़ल से इरादा फरमाया था उसके पेश नज़र हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तहा इस चीज़ को सुनकर फ़रसलत अला रसोल सरदत नफसा तो उन्होंने खुद रसूल करम नूर मुजस्म शफ़ी मुआज़म सल्ह वसलम की तरफ़ पैगाम भेजा और अपने आप को नबी करम नूर मुजसम शफी मुआज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया तो ये यानी निकाह के लिहाज से ये पस मंजर है जो अल कामिल के अंदर मौजूद है हजरत सदा ख़दीदतुल्कुब्रा रद्ला तला आपके नबी अकरम अलैहि वसल्लम के अकदे निकाह में आने के बाद जो रसूल अक्रम सम से मज़ीद फ़ैज़ याब होने और कमालत के हसूल का तस्करा है उसकी तफसलत भी अल्लाह के फ़ल से बड़ी अजीम हैं हजरत खदीजतलकब्रा रदी अल्लाह तन आपने नबी अकरम नूर मुजसम शफ़ी मुआज़म सल वसम के पास रहते हुए सरकार के एलाने नबूत से पहले ही बहुत से अमात नबूत का मुशादा किया था यानी अभी रसूल अक्रम एलाने नबूत नहीं किया था और जाहिर है कि ये जो वक्त है इस वक्त की गवाही आपके अलावा कौन दे सकता है जो एक अहलिया को कुर्ब मुयसर है और कई साल तक यानी एलान नबू से पहले भी उन्हें नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मज़्मली वम की खलवतों को सरकार पर उतरने वाले अनवार तजलियात को देखने का और मुख्तलफ़ मामलों को परखने का मौका मिला इस सिलसिला में हजरतरतबर रदी अल्लाह तह के लिहाज से जाहबी ने नबला के अंदर ये लिखा है के हज़रत खदीरतलब्रद् तन रसूल पाक सल्ला वसम के मुख्तलिफ़ अवाफ़ जो देखती थी तो वो जाकर हज़रत वरक़ा बिन नौफ़ल के साथ शेयर करती थी। यानी एक तो वो मशहूर मौका है कि जब वाही का नज़ूल हो गया और बुखारी शरीफ़ में है रसूल पाक सल्ला वम घर तरीफ़ ले गए और उसके बाद हज़रत वर्का बिन नौफल के पास जाना हुआ लेकिन ये जो शेजर आलामाम नबाला के अंदर है इसका ताल्लुक़ उससे पहले के साथ है कि जिसमें है वकान तद अवरक़ा तिन हाज़िल आविना कि तजकुर लहू मिन सिफ़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अन्नादरा के अकद निका के बाद एलान नबूत से पहले हज़रत खदीजातुलकब्रा रदी अल्लाह तन्हा रसूल पाक सल्ला वम के अवाफ़ो कमाल जाकर हज़रत वरक़ा से बयान करती थी और इस बुनियाद पर ही हज़रत वरक़ा ने नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआज़म सल्हल की नात शरीफ लिखी जिसमें हवाला हजरत खदीजा रदी अल्लाह तहा का दिया कि इन्होंने मुझे हज़रत महमद् वसम की फ़लाँ फलाँँ शानें बताई हैं और अगर ये जो कहती हैं ठीक है तो फिर ये आम इंसान नहीं ये अल्लाह के नबी स वो तवील कसीदा जो है जो ज़हबी ने अपनी तारीख के अंदर लिखा है तारीख़ इस्लाम जो बहुत मुफसल है इमाम ज़हबी की तो उसमें में जाकर एक शेर इस तरह है वई या को हक्कन या खदीजा फा 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 हु तो फालमी हदीसो के इया न फ आह मदु मुरसलू फ सुबह न मन तहविरया हो बम्री वमन हुआ फिलशा अफ़ अलू वमन अरशुहू फोकसमाावाति कुल वमन हुक्म फ़ी खल के लायु तो उन्होंने कहा व ई याको हक कन या खदीजा तो फ़ालमी ए खदीजा आप जान लें इं या को हक कन अगर हक है क्या हदीसों के आप की बात जो बातें आप मुझे बताती हैं अहमद मुरसलू तो फिर रसूल अक्रम नूर मुजस्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं यानी ये वाह पहली वाह के नजूल से पहले के जो अत नबूत थे उनको जिक्र करने बुनियाद पर हज़रत वर्का बिन नौफल ने अपने अशार में हजरत खदीजा के हवाले से ये ज़िक्र किया कि खदीजा जो तुम मुझे बताती हूँ हदीसों के ई हमसे आकर जो जिक्र तुम करती हो वो बातें अगर सच्ची हैं तो फिर यकीनन ये अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम हैं फसुबहान अमन तहविर रहा हो बे अमरेही वो अल्लाह हर ऐब से पाक है कि जिसके हुक्म से हवाएं चलती हैं वमन हुआ फिर अयाम माशा अया फाल और वो अयाम में जो चाहता है करता जिस तरह के वर्का के ईमान के बारे में फ़तुलबारी शर बुखारी में तफसीत के साथ ज़िक्र है तो ये उनके अशार भी उनके अक़द तो पर दलालत करते हैं वमन अरशुह फ़ोक समावत कुल्हा जिस का अर्श सारे आसमानों के ऊपर है वमन हुक्म हु खल के ही ला यु बदलू कि जिसका हुक्म मखलूक में तब्दील नहीं होता तो इस बुनियाद पर हजरत खदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाह तहा की इनफरादियत है एक तवील वक़्त तक उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवतों और खलवतों को देखा कि जब उनके साथ इस जहत में और किसी की शिरकत नहीं थी बैरूनी महाज पर अगरचि हजरत सिद्दीकी अकबर रदी अल्लाह तैन हो बचपन से नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुज़म सल्ला वसल्लम के असाफ़ो कमालात को जानते थे यहाँ तक हज़रत मैमून बिन महरान ने कहा कि हजरत सिद्दी के अकबर तो बीरा रहब के ज़माने से ही इस्लाम कबूल कर चुके थे यानि रसूल पाक सल्लम की नबूवत को तस्लीम करते थे लेकिन घर के अंदर जो बहुत कुर्ब और एक ख़ास वक़्त जो पाया है वह हजरत खदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाहा को वो मौका और मकाम मिला है इस बुनियाद पर नबी अक्रम नूर मुज़स्सम शफी मज़म सल्ला वम की सीरत का बयान और सीरत के अबवाब का बयान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और फजाइल कमालत के बयान में अवलीत भी हजरत खदिजतलकुब्र री ताला अन्हा को मुयसर है जिस तरह के एलान नबूत के बाद ईमान लाने में उनको रबाल ने अवलीत अता फ़रमाई तो रसूल पाक सल्ला वसलम के औाफ़ो कमालत के बयान के लिहाज से भी उनको खाल के कायनात जल्ला जलालहु ने ये मकाम व मरतबा अता फरमाया इसमें एलान नबूवत के से जो मशहूर अहदीस बुखारी शरीफ में सिहा में सैकड़ों किताबों में हैं उसके साथ कुछ अल्फाज जो इमाम जहाबी ने सीयरो वालाम नोबाला के अंदर ज़िक्र किए हैं वो भी बड़े खसूसी अल्फ़ हैं नबी इकरम नूर मुजसम शफी मज़म अलैहि वसल्लम की शान को हज़रत खदीरतुल्कब्रा ताला तहा ने जिस अंदाज में बयान किया ज़ुहरी कहते हैं कि हजरत खदीजा रदी ताला तहा नबी इक्रम नूर मुजस्म शफी मज़्म सल्ला वसम जब हिरा से वापस आए फलम्मा दाखला अला खदीजा था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से वापस आए वन सरफ अला बैत ही वह जला यमुर वाला शाहजरातिन वाला सखरातिन इल्ला सल्लमत अलैहे, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त से भी गुजरते थे जिस चटान के पास से भी तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहते थे अब इसी तरह सलाम पत्थरों और दरख्तों के कबूल करते करते जब सरकार घर पहुँचे फलमदाखल अला खदीजा था जब हज़रत खदीजा ताला तहा के पास गए तो सरकार ने फरमा आरई तो कि्ला दी कन तो वो के अन्नी रई तो हूफिलमाम कि मैं जो आपसे पहले ज़िक्र किया करता था जो मैं ख़्वाब में देखता था आज मैंने वैसे देख लिया है फ़ैन जबरीलो वो जिब्रील हैं इसतालली आज वो आमने सामने आ गए ऐलानिया उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की है अब इससे भी पता चलता है कि एलान नबूवत से पहले जो न्याज खुसूसी था हज़रत खदीजा तआला तहा उस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि कितने ख़्वाब हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे डिस्कस किए हुए थे और कितने इस तरह के रूहानी वाक़ हैं कि अब आपने फरमाया आते ही कि वो जो कं तो वदसों के मैं जो आपसे बातें किया करता था अन्नी रई तो फ़िल्म फ़ैन्हू जिब्रील कि मैंने ख़्वाब में देखा है एक इस तरह की तस्वीर देखी है इस तरह के मामल देखे हैं तो वो तो जबरील हैं इसताली अरसलाहु इलाया रब्बी उन्हें मेरे रब ने मेरी तरफ़ भेजा है आज वो मेरे पास आए हैं वो अखबारहा बिलवा और उन्होंने मुझे वाहि की खबर दी है अब ये अल्फाज आम किताबों से मुख्तलिफ हैं कि नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने जाकर हजरत खदीजा रदी अल्लाह तह से नबूत के मामले में जो गुफ्तु की है तो उसमें में अपनाइत थी और रबत क़य किया पहले के मामलत के लिहाज इसी बुनियाद पर जब हम बुखारी शरीफ़ में पढ़ते पढ़ाते हैं नजूल वाही वाली हदीस तो वहाँ इस बात को जिक्र करते हैं चूँकि वहाँ ज़ाहिर अल्फाज से कुछ लोग शकुक व शुभात पैदा करते हैं कि सरकार ऐसी गुफ्तु कर रहे हैं कि गोया की अभी नबूत के बारे में पता नहीं है या शकुक व शुबहत हैं तो वहाँ भी हम वाज करते हैं कि रसूल पाक सली वम ने हज़रत खदीजा रदी अल्लहा से जा कर जो गुफ्तू की है इसलिए नहीं की कि आपको अभी शक था कि मैं नबी हूँ या नहीं बल्कि इसलिए था कि अब अल्लाह की तरफ़ से बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं और आगे ये किस तरह पूरी होंगी और कितनी मुश्किल होंगी और कितनी रुकावटें आएँगी तो ये अल्फाज हमारी उस वजाहत की हमायत करते हैं कि रसूल पाक सल्ला वम ने यहाँ जाकर जो गुफ्तु की है इसमें वाज तौर पर आपने फरमाया ये तो नबूवत है जो मैं पहले देखता था ख़्वाब में अब वो जिब्रील तो सामने आ गए हैं अल्लाह ने मेरी तरफ वाही भेजी है और अल्लाह ने ये मुझे पैगाम दिया है यानी ये जिसको हम एलान नबूवत के साथ ताबीर करते हैं क्योंकि तो पहले हुक्म नहीं था कि लोगों को इस चीज़ की तरफ दावत तो अगरचे हमारे आकाश स व वक्त विलादत भी नबी थे लेकिन अब ये हुक्म आ गया और कुछ लोग जो हैं उन्हें जबरील के आने के बाद भी ये है कि सरकार को अभी भी शक था कि मैं क्या नबी हूँ या ये क्या चीज़ है कि जो मेरे साथ गुफ्तु हो रही थी तो वो सारी चीज़ें इस तरह की वो खाम ख्यालियाँ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फमस्तक बलुशरूँ वजरूँ वला, वला अलैका या रसूल अल्लाह के जा सरकार जिस पत्थर के पास से गुजरते हैं हजरत मौला अली कहते हैं मैं सुनता हूँ कि वो सरकार को सलाम कहते हैं या सरकार फरमाते इन आरफ व हाजिर मक्का तकाना यूसलमिया कबल अन उब आशा कि मैं आज भी मक् मुकरमा की उस पत्थर को जानता हूँ कि मैंने एलान नबूत तो नहीं किया था लेकिन वो मुझे नबी कह के ही सलाम करता था तो ये सारी चीज़ें और अब यानी ये एलान नबूत के लिहाज से आपने हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला से ये मामला शेयर किया वो नबूवत जिसके नारे क्यामत तक करोड़ों ने लगाने थे सबसे पहले उस नबूवत की दावत दी गई है तो हजरत खदीजा तिलकबरा रजियल्ल्ला तहा को दी गई है और सबसे पहले उस नबूवत पर आमीन कहा है कबिल तो कहा है आमन्ना कहा है तो वो हजरत खदीजा तुलब्रा रजियल्ल् तहा है और ये इनफरादी अल्फाज हैं इस मकाम पर कि जिस वक़्त रसूल अ करम सल्ला वसम ने फरमाया जबरील बिल्कुल वाज़ मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ख़बर दी है वाज की और मेरे अल्लाह ने उनको मेरे पास भेजा है फ़कालत आब शर तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तह ने कहा फिर महबूब आप मुबारक हो यानी आब शर खुश हो जाओ खुश हो जाओ इस नबूवत पर पहला अब शर जिस जुबान से निकला वो हजरत खदीजतुल्कब्र रदी अल्लाह यानी एलान नबूवत के बाद पहला अब शर जो है वो हजरत खदीजा रदी अल्लाह अनहा का है और फिर कितने मजबूत आसाब थे उनके अभी आलम यानी आबो ख़ाक जो है उसमें बुतप्रस्ती है कुफ़र शिरक है और बड़े तुंदो तेज़ हालात हैं लेकिन हज़रत खदीजा ऱी अल्लाह तहा फिर भी कहती हैं फ़ल्ला ला यफ़ल्ला बेका अला खैरा खुदा की कसम रब आप से खैर ही करेगा ला यफ़ल्ला बेका अल्ला खैरा यानी खैर ही खैर है हमारे उर्फ़ में तो कहते हैं ना सत्य खैरान तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताल ने यानी पहले दिन सरकार की तरफ से नबुवत का जब ऐलान किया गया तो आपने इस सिलसिला में यानी जो कमेंट्स दिए और अपनी तरफ से जो तबसरा किया जो कि नबूवत पर इंसानी तबसरा पहला तबसरा था बहसीत एक उम्मती के तो फवल्ला ही ला यफ़ल्हु बिका इल्ला खैरा तो जिनके घर कद निका में मौजूद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तक को मुस्तबिल में नबूत के चलने के लिहाज से कोई शक नहीं है उन्हें खुद कैसे शक हो सकता है तो रसूल अक्रम स मक्की ज़िंदगी हो मदनी ज़िंदगी हो के पूरी कायन तक ये दीन पहुँचेगा और नबी अक्रम सल के काफ़िले को कोई रोक नहीं सकता और किसी में ये ताकत नहीं और कभी भी रब्बे जुल जलाल आपसे नाराज़ नहीं होगा और हमेशा खाल के कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से आपको खैर का पैगाम मिलेगा और खैर के मामलत होंगे तो ये सारी बातें पहले खुतबे में ही ईमान कबूल करते हुए हजरत खदीजा ताला अल्लाहा ने ये फरमा दी जो सफ़ा नंबर सतर है सैराम नबला का जिल्द नंबर अव्वल दोम के अंदर इसको तफसल के साथ जो है वो ज़िक्र किया गया है तो इसमें साथ ये भी कहा फ़कबल अधि जाकमिन कि अल्लाह की तरफ से जो आ गया है इसे कबूल करो ये हक है यानी अगरच सरकार दोम सल्ह वसम तो पहले ही कबूल किए हुए हैं और आके बता रहे हैं लेकिन इनका मायल बहक होना और अपनी तरफ से इसकी हिमायत करना ये हज़रत खदीजा अल्लाह ताला ताल का ही हिस्सा है तो कहते हैं सुमन तलक तो इला उदास वकाना नसरानीन मिन अहल ये भी इनफरादीत है वहाँ वरका बिन नोफ़ल की बात है और वो भी आसमानी किताबों के माहिर थे यहाँ ये है कि उदास के पास आन के साथ उदास उदास के पास अदरत खदीजा रदी अल्लाह तलाहा तशरीफ़ ले गईं वकान नसरानिया मिन अहल नैनवा नैनवा जो इराक़ का शहर है तो उससे उसका ताल्लुक था और वो भी आसमानी किताबों का माहिर था फ़कालत इल्ला मा अखबरतनी हल इंदा का इंद कामिन जिब्रील तो वहाँ से भी जिस तरह हजरत वरका बिन नौफल से हिमायत करवाई तो उदास से भी हजरत खदीजा रजी ने तसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हिमायत करवाई उनके अपने सोसेज़ जो थे आसमानी किताबों के उलूम के लिहाज से तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुआज़म सल अल्लाह वसम को जो तबरीक पेश की सैयदा सदा अल्लाह रजील्ल्ला तहा ने बुखारी शरीफ के अल्फाज के मुताबिक जबकि उन्होंने कहा कि फ़ैन्ना का तहमिलुल कल्ला व तकसिबलूम के आप तो वो ज़ात हैं या रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि कोसम आप लोगों के बोझ उठाते हैं व तकसिबलमदूम जिनका कोई ना हो आप उन्हें कमा के देते हैं और आप मेहमान नवाजी करते हैं और नवाए बक जो नागहानी मुसीबतें हैं उनमें आप लोगों का साथ देते हैं यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को जिस ज़ात ने अल्फाज के अंदर सबसे पहले एलान नबूत के बाद लफ्ज़ों का जामा पहनाया वो मुसलमानों की अम्मी हजरत खदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाह ताला तहा है कि नबी अक्रम नूर मुजस्म शफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवाफ़ो कमालात जो कि बजरिया सनद उम्मत तक पहुँचे पहला दिन जब एलान नबूत का था तो रसूल अल्लाह सल असलम के अखलाक क्या हैं सरकार का किरदार क्या है कमालात क्या हैं तो हज़रत खजरतलकुब्र रदी अल्लाह तहा कि ये इम्तियाजी शान है कि आपके लफ्ज़ों में जो सीरत बयान हुई वो पूरी उम्मत तक पहुँची और मुस्ंद रिवायात और सनद के लिहाज से लिहाजा यानी वो महबूब के जिन की सना में हर वक़्त फरिश्ते भी मशरूफ़ रहते हैं और कायन में हमेशा के लिए जिनकी तारीफ़ व तोसीफ़ हो रही है और होती रहेगी तो नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मज़्म सल्ला वम जो वफ़ नबूत से तो अज़ल से ही मुतस थे लेकिन जब एलान नबूत किया तो अलान नबूत की अगली घड़ी में जिस जात ने सबसे पहले नात नबी पढ़ी वो हजरत खदीदतुल्कुबरा रजियल्ल् तय है कि जिस पर आगे क्यामत तक की सनाखानी का मदार है और क़्यामत तक के ख़ीबों के खुतबों का मदार है ऐसे ही हजरत खदीजा रदी अल्लाह ता का नमाज़ पढ़ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाने के बाद उसकी इनफरादियत भी मर्रखन ने और सीरत निगारों ने ज़िक्र की है ईमान लाने के लिहाज से ख़ुसूसी तौर पर सोबल और रशाद के अंदर इमाम साल ने ये लिखा है कानत ख़ खदीजा तो ना से ईमानम बिमा अन्ला के जो रब ने नाजिल किया सारे लोगों में से सबसे पहले जो ईमान लाई वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तहा है और इस पर इन्होंने इजमा ज़िक्र किया कहते हैं कि असीर कहते हैं ख़दीजा तो खल खलकिल्ला इस्लामा बे बेजमा मुसलमिन अल्लाह की मखलूक में इस्लाम लाने के लिहाज से हजरत सैदा ख़दीजा रदी अल्लाह तहा पहले नंबर पर हैं चूँकि फ़ौर हरा से वापसी पर आपसे तस्करा हुआ और आपने आगे को शिकुक व शुभ नहीं पेश किए या कोई रुकावटें या ये कि ऐसा नहीं हो सकता बल्कि वो तो पहले ही मायल बहक थी चूँकि उनके पास पहले ही रसूल अल्लाह सल वसम के कमालत के हवाले मौजूद थे तो इस बुनियाद पर मुस्लिमीन मुसलमानों का इजमा है कैसे लमयतम हा रजुल वाला इमरातन आपसे पहले ना किसी और मर्द ने इस्लाम कबूल किया और ना किसी और औरत ने इस्लाम कबूल किया यानि ये मुतलकन अवलीत है वैसे मर्दों में हज़रत सिदी अकबर रदी अल्लाह तैन और बच्चों में हज़रत मौलाली रदी अल्ला और ये लम य तकदम है रजुल वला इमरातन और इसके साथ ये जो इबन असिरर ने इजमा ज़िक्र किया इस पर यही बात इमाम जाबी ने भी की और यही इमाम सालवी ने भी का इतफ़ाक़ल अलाजाली का व इन नम्तिलाफ़ों की अवल मन असलमा बदहा कि ये जो इख्तलाफ़ है कि सबसे पहले कौन इस्लाम लाया हजरत खदीजा के बाद बाद फिर शुरू होता है यानि हजरत खदीजा अल्लाह का अल्लाहा इतलाक तकद्दुम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरा से वापस आए सीधे घर हैं और उन्होंने फ़ौरन नबी अक्रम सम से इस पैगाम को कबूल कर लिया है वकाल अमामबवी रही जमाती जमातिन तो इमाम नबी ने भी कहा कि यही दुरुस्त है कि जो बाकी इख्लाफ बताया जाता है वो इन के बाद है इन के लिहाज से अख्तिलाफ़ नहीं है तो फिर फ़्फ़ल ब़ाल का रसूल अल्ला सबी अकरम सल्ह वसम के साथ उसी लम्हे से जिसने सरकार के बोझ हल्के करने का किरदार अदा किया वो हज़रत खदीजा रजियल्ला ता कि जब भी मुस्तबिल के मामला के बारे में रसूल पाक सल्ला वम ने सोचा कि ये संगलाख चटानों में शजर यकीन हमने काश्त करना है और इतने घटाटोप अंधेरों को हमने दिन में बदलना है तो हजरत खदीजा रजियल्ल्ला तहा को ये मकाम व मरतबा मैसर है कि अवलीन खलवतों के अंदर और तदबीरों के अंदर और कर्वान इस्लाम की राहों के तयन के अंदर और फतूहत इस्लाम के झंडे लहराने के लिहाज से और क्या मत के दिन मतीन की अजमतों के हवालों के लिहाज से नबूत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सबसे पहला जो कदम उठा वो सैदा ख़दीजा रजी अल्लाह तहा का है खाब व हजरत वरक़ा बिन नोफल की तरफ जाते हुए है ख़बो किसी तदबीर और किसी तकरीर किसी मशवरा के लिहाज से है ये अकदमियत रबाल ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तहाा को अता फरमाई है नमाज के लिहाज से यानी अभी नमाज की फर्जियत नहीं हुई थी क्योंकि वो तो मराज में हुई और उससे पहले विशाल हो चुका था हज़रत खदीजा रजियल्ला तहा का लेकिन एलान नबूत के बाद बायदा नबी अक्रम सल वम के पीछे खड़े होकर जमात के साथ कि जिसमें तीसरे फ़र्द मौला अली हजत मौलाली रजियल्ल्लाहो थे ये तजकरा भी बायदा सीरत की किताबों में मिलता है जिसमें आफीफ नामी शख़्स अफीफ किंदी वो कहते हैं जे तो फिल जाहलीत मक्का था कि मैं जाहिलियत के ज़माने में मक्का में आया जाहिलियत का ज़माना अभी जिन लोगों तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलान नबूत नहीं पहुंचा हुआ था तो वो अभी जाहिलियत का ज़माना ही समझ रहे थे चूँकि जहूर नबूत आहिस् आहस्ता हुआ एलान नबूत के बाद तो आफीफ़ कहते हैं मैं मक् मुकरमा में आया व आना उरीद अबताल अहली मिन मिनसियाब हा वित्रहा तो मैं घर वालों के लिए ख़रीदना चाहता था कुछ कपड़े खुशबू वगैरह इबिन साद ने तबक़त में इसको हज़रत अफीफ जिन्होंने फिर कलमा भी पढ़ा बाद में उनके हालात में आठवीं जल्द में लिखा है तो कहते हैं कि फनज़ल तो बिन अब्दुलमतलब तो उस ज़माने में मैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुलमतलब रजी अल्ल तुम उनके पास ठहरा बसीयत मेहमान तो कहते हैं कि फ़ाना इंदू वाना अनुरबा इतफाक़ से मैं उनके पास क्योंकि ये इनका डेरा भी तो काबे के गिरद जो बैठकें बनाई हुई थी अपने अपने कम्यूनिटी सेंटर क्रैश ने तो हजरत अब्बास का वहाँ ही दारा था तो डेरे पर बैठे थे और ये मेहमान भी साथ था तो आफीफ़ कहते हैं मैंने जब देखा कि सूरज ढलता है तो इज अकबाला शाहबुल एक नौजवान आया हत्ता दना काबा यहाँ तक कि वो काबे के करीब आ गए रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी वसल्लम, सल्ला वसम फर्रफ़ा साहूल उन्होंने आसमान की तरफ सर उठाया फनाजा रहा देखा काबा था फिर काबे की तरफ़ मुंह कर लिया का इमन खड़े हुए यानी टाइम का तयन करने के बाद काबे की तरफ खड़े हुए यानी इनको ये पता नहीं कि ये नौजवान कौन हैं और क्या करने लगे हैं तो कहते हैं इज जा आ ग़ुला इतने में एक बच्चा भी आ गया यानी सरकार के लिए लफ्ज़ शाप बोला है। इतने में एक बच्चा भी आ गया हती काम अन ने ही और वो इस नौजवान के दाएं तरफ पीछे खड़ा हो गया थोड़ा सा पीछे यल बस इल्ला यसीरन जात फिर थोड़ा वक़्त की गुजरा के खातून आ गई वो जब खातून पहुंची फकामत खलफा हुमा तो वो इन दोनों के पीछे खड़े हो गए। यानी रसूल वसल्लम से थोड़ा सा पीछे कदम की एड़ी के साथ पीछे हलते दाएं तरफ हलते हैं और वो ख़ातून आके पीछे खड़ी हो गई यानी हजरत खदीजतलकुबरा रज़ी राका अश्शाब तो ये आज जो कायनात में करोड़ों रकू हो रहे हैं और करोड़ों सजदे हो रहे हैं ये सब उनकी तमहिद थी तो नौजवान जो है उसने पहले रकू किया फराक़लम तो बच्चे ने भी रकू किया वरक़िलमरा तो औरत ने भी रकू किया सफ़ाशाब रासाहू फिर नौजवान ने सर उठाया वराफाल गुलाम और आशा तो बच्चे ने भी उठा उठा लिया वराफ़ातिल मर आत रासाहा तो औरत ने भी उठा लिया यानी इसको ये अंदाज़ा हुआ कि ये इनका कोई मिशन एक है ये आपस में मुनसलिक हैं कि तरतीब वार जो हैं और इमाम कायद वो हैं जो आगे हैं कि ये एक तरीके से रकू कर रहे हैं सर उठा रहे हैं यानी उसको ये खबर नहीं थी उस वक़्त कि ये नमाज़ है और ये क्या इबादत की जा रही है सुम्मा रफ़ा इसके बाद सुम्मा खर्र शाहब साजदा फिर नौजवान सजदे में पड़ गए यानी रुकू से उठ के वर्रल ाम व बच्चा भी सजदे में चला गया वखर्रतिल मरातु, और औरत भी सजदे में चलेगी, तो ये अफीफ कहते हैं मैं ये सब कुछ देख रहा था फकुल तो या अब्बास इन्नी अरा अमरन आज़ीमा अय अब्बास ये मैं अजीब चीज़ देख रहा हूँ यानी आज जिससे हमारा बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि ये इस तरह करें तो क्या होता है तो जाहिलियत को ख़त्म करने की ये तहरीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की और इमाम के पीछे दो नफुसें खुदसिया हैं एक बच्चा है और एक खातून तो हज़रत अब्बास चूँकि वो तो बहुत बात जा उन्होंने इस्लाम कबूल किया लेकिन फिर भी ख़ानदान नबूत के फ़र्ज थे और ये मेहमान आपका ही मेहमान था तो उसे आपसे ही पूछा या अब्बास इन्नी अरा अमरन अजीमा मैं तो अजीब वरीब ये चीज़ देख रहा हूँ अब्बास अमरुन अज़ीम हाँ बाकी ये अजीम अमर है यानि उन्होंने जवाब भी सवाल के लफ्ज़ों में ही दिया कि उन्होंने कहा सायल ने ये अजीब बात है ये अजीम बात है आपने हाँ ये अजीब अजीम बात है फिर उन्होंने आगे गुफ्तगु शुरू की फिर हल तदरी मन हाज ये जिनकी अदाओं के बारे में तुम पूछना चाहते हो ये जानते हो कि ये हैं कौन तुम जानते हो कि ये जो, नौजवान कौन है यानी तुम्हें ये सिफ्त से पहले मौसू के बारे में पूछना चाहिए ये जिन के बारे में जिनकी हरकत व सकनात पर तुम हैरान हो रहे हो पहले पूछो तो सही ये हैं कौन अतदरी तुम जानते हो कि ये कौन है हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने जब ये कहा तो आफीफ चूँकि रावी हैं कहते हैं कुल तो ला मादरी मैं तो नहीं जानता कि ये कौन है खाला हाजा मुहमद उबन अब्दुल्लाह इबन अब्दुल मुत्तलिब व अखी ये मेरे भतीजे हैं ब्बास रजी अल्लाह कहते हैं ये मेरे भाई के बेटे हैं इनका नाम महम्मद है अब्दुल्ला के बेटे हैं महमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अब्दुलतलिब यानी ये हमारे अपने ख़ानदान के फ़र्द हैं मेरे भतीजे हैं ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ ही ये कहा हलतदरी मन हाज़ल गुलाम ये जो बच्चा है इसका भी आपको पता है कुल तो ला मादरी मैं तो नहीं जानता कि ये बच्चा कौन है काला अली अलीबन अबी तालिब इबन अब्दुल मुतलब इबन अभी भी मेरा भतीजा है ये अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुतलब रदी अल्लाह तला हैं हल तदरी मन हाजी हिलमरा जानते हो ये खातून कौन है अफीफ कहते हैं मैंने खाला माधरी मैं नहीं जानता काला हाजी खदीजा तो बिन तो ख्वेल इबन अखी हाजा कि ये खदीजा बिनते ख्वालद हैं तो जो मेरे भतीजे महम्मद सल्ला वम हैं ये उनकी अहलिया मोतरमा हैं तो ये तारफ़ करवा के हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तु ने अब रसूल अल्लाह अल्लाम के ख़ानदानी तारफ़ के साथ आपका नबवी तारफ़ भी करवाया तो इससे ये पता चलता है कि नबूत हो चुका था और अभी यानी बिल्कुल आगाज़ था अगले जो अल्फाज हैं तब्बास के वो भी बताते हैं और मसला ईमान अभी तालिब के लिहाज से भी वो वजाहत के लिए वो अल्फाज काफ़ी हैं तो जिस वक़्त तारुफ करवा दिया तो कहते इन नब न अख़ी हाजल तरा ये जो मेरे भतीजे तुम्हें नज़र आ रहे हैं ना नमाज़ पढ़ते हुए ये हद सना इन्होंने हमें ये बताया है रब्बु रब वल अर्द ये कहते हैं कि अल्लाह एक है सिर्फ़ अल्लाह ही खुदा है ये नारा जो है कि इन्होंने ये हमें पैगाम दिया है ये बुतों को नहीं मानते ये किसी और को मबूद नहीं मानते ये कहते हैं कि रब वही है जो रब्बु समावात वल अर्द है और ये कहते हैं कि वो जो रब्बु समावत वाल अर्द है आमारा बिहाजत दीन अल्लाजी हुआ उस रबुस समावत वरद ने इनको दीन दिया है और ये उस दीन में इबादत है एक अगरच नमाज भी फ़र्ज नहीं हुई थी लेकिन ये तरीका जो था तो इसके लिहाज से कहा कि ये जो क्या करते हैं रुकू करते हैं सजदा करते हैं ये उस दीन के अंदर एक इबादत है वल्ल ही मा तो अला जहर कुल अला हाजत दीन गई रहा उसा खुदा की कसम रुए ज़मीन पर इस दीन पर जो ये लेके आए अभी तक ये तीनों ही हैं जो ये आंख खड़े हैं ये तीन यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सात हज़रत मौलानी रदी अल्लाह तह और हज़रत सैद ख़दीजतुल्कुब्रा रद्ल तहा ये हज़रत अब्बास के जो ख़ानदानी कुरब था उसकी बुनियाद पर यानी उनका एनालिसिस और हालात के लिहाज से कि अभी तक ये ही हैं जिन्होंने इस दिन को कबूल किया है और कोई नहीं है और ये इस दिन के लिहाज से वो अदायगी कर रहे हैं अपनी इबादत के काला अफीफ फ़त मुन्नी तो बाद दो कुन तो राब्या तो मेरे दिल में ख्याल आया कि काश चौथा तो मैं बन जाऊँ यानी उस मरहला के कुछ वक़्त बाद मैंने ये तमन्ना की कि काश के मैं जल्दी करता और मैं चौथा बनता लेकिन वो तो काफ़ी बाद फिर इस्लाम लाए यानी मक्का मुकरमा तिजारत के लिए आए थे फिर चले गए फिर जहूर इस्लाम हुआ और फिर इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो इस बुनियाद पर भी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तहा नबी अक्रम सल वम की इमामत में जो सारे नबियों के इमाम हैं उनकी इब्ता में सबसे पहले जिस खातून ने कबे के पास खड़े होकर के नमाज़ पढ़ी वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है और पहली वो जमात जबकि सिर्फ़ मौला अली रजी अल्लाह ताल हो साथ थे इस उम्मत के नुमाइंदगान में से उस वक़्त हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताल तोद का परचम बुलंद कर रही थी सयदा खदीजतुलकब्रा रदी अल्लाहा के इस व को और उनके इस किरदार को रसूल अकरम सल्ला वम ने हमेशा पेश नज़र रखा यहाँ तक कि एक मौका पर मुन्द इमाम अहमद में यह हदीस शरीफ है कि नबी अक्रम सल्ला व्ल् हजरत खदीजा रदी अल्लाह तहा का तजकरा उनके विशाल के बाद कसरत से करते थे तो हज़रत ऐशा सिद्दीक़ा ताला ता ने एक दिन इस पर सवाल किया और वो भी जाहिर है कि उसमें हिकमत यही थी कि उनके कहने पर फिर अगली बात का अबलाग हुआ यानी उन्हें ये था कि आप क्यों इतना ज़्यादा उनका तस्करा करते हो जबकि रब्बे रबाल ने उनसे अच्छी अजवाज़ आपको दी हैं तो नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआज़म सल्ला वम ने इसके जवाब में इर्शाद फरमाया फ्रद आमनत बी इज़ काफ़र अन्नास ये खदीजातकबरा उस वक्त मुझ पर ईमान लाइ जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे काफ़रन्नास यानी उस वक़्त की वो मोमिना है जब कायनत काफिर थी लोग अभी काफिर थे वो उस वक़्त भी मुझ पर ईमान लाई थी ये जो बैरूनी मामला में जब एक मौका पर हज़रत उमर रदी अल्लाह हो तन होने और एक मौका पर हज़रत अकील रदी अल्लाह तु ने हजरत सिदीक अकबर रदी अल्लाह तन हो के बारे में कोई बात की तो हमारे आकलम ने फरमाया तुम मेरे साहब को मेरे तक रहने दो फरमाया कि तुम सब के दरवाज़ों पर अंधेरा था अबू बकर के दरवाजे पर उस वक़्त भी सवेरा था एक वक्त वो था जब मैं कहता था इन्नी रसूल तुम कहते थे कज़ब था काला अबू बकर सदकता कि तुम मुझे कहते थे कि तुमने झूठ बोला है मबू बकर उस वक्त भी कहते थे कि तुमने सच बोला तो ये जो अवलियात हैं इनको नबी अक्रम सल वम ने हमेशा पेश नज़र रखा तो ताशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताल से कहा कि इस काफरअन्नास व सद्दनी इज़ कल रान्नास इन्होंने उस वक्त भी मेरी तस्दीक की जबकि लोग अभी तकजीब कर रहे थे और साथ ववासतनी बिमालेहा इन्होंने मेरा साथ दिया और माल भी मेरे मिशन पर ख़र्च किया मेरे साथ मुआसात की हमदर्दी की अच्छे मशवरे दिए और अपना तिजारत का इतना माल मेरे दीन पर इन्होंने खर्च कर दिया और फरमाया व राजा का नीला औलादा अल्लाह ताला ने तुम अजवाज मुतहरात को वो मकाम नहीं दिया अल्लाह ने मेरी सारी औलाद इनसे मुझे अता की है सिवाय हज़रत इब्राहीम के अकी तो इस बुनियाद पर भी नबी अकरम नूर मुज़स्सम, शफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताल की इम्तियाज़ी शान और उनका कसरत से जो जिक्र था उसकी वजूहत हजरत आयशात सिद्दीका रजी अल्लाह तह के सामने बयान फरमाई और फिर ये भी है कि जब नबी अक्रम सल्ला वसम के पास कोई तोहफ़ा आता था तो फ़रमाते थे इज हबूबी इला फलाना ये फ़लाना को दे आओ एक तो है ना फ़लान मुजक्कर के लिए फ़लाना मुन्नस कि फ़लाँ खातून को फ़लाना खातून को दे आओ क्यों दे आओ उसकी क्या तरजीह है फरमाते थे फन्नाकानत सिद्दीक ले खदीजा ये हजरत खदीजा की सहेली है तो इस वास्ते ये उनको जाके चीज़ दे आओ यानी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तशाल के, के बाद हज़रत खदीजा से त्लक़ का इस लिहाज से भी इजहार था कि उनकी जो सहेलियाँ थीं उन तक नबी अक्रम अलैहि वसल्लम तहाइफ़ पहुँचाते रहे और यह भी यानी एक तरीका था इस साल का और इसमें यहाँ तक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ील् अनहा कहती हैं कि एक बूढ़ी माई आती थी हमारे घर में और नबी अक्रम अलैहि उस को बड़ा नवाजते थे और उसका इकराम व एजाज़ फरमाते थे तो मैं हैरान थी कि ये बूढ़ी औरत जो है इसको इतना क्यों प्रोटोकॉल दिया जाता है तो हजरत आशा सिद्दीका सिद्दीक रदील्ल तन्हा कहती हैं मैंने एक दिन कहा बेअबी अन तबाउम्मी इक तस ने हाजिल उजूज सैया लम तस ना हो बेहा दिन कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएँ या रसोल्ला सल अल्लाह कोसलम आप इस बूढ़ी खातून को इतना प्रोटोकॉल देते हो इतना किसी को भी नहीं देते यानी इसके आने पर इतना अहतमाम फरमाते हो इतना और तो किसी के लिए नहीं इसकी क्या खसूसियत है यानी इसकी क्या ख़िदमात हैं इस्लाम के लिए या ये किस ख़ानदान की है कोई इसका अता पता इस लिहाज से तो नहीं कि जो आम बड़ी बड़ी ख़वात इस्लाम हैं उनमें इसका शुमार होता हो तो इसको इतना ज़्यादा क्यों नवाज़ा जाता है फ़क़ा अब ये सवालत आयशा भी उम्मत का एक खजाना है और कौन पूछ सकता था और फिर जवाब जो है उस भी उम्मत के लिए सबक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तो इनहा कान तीन जमाना खदीजा था ये औरत हजरत खदीजा की ज़िंदगी में हमारे घर आया करती थी यानी इसकी ये स्पेशलाइजेशन है कानत तीन जमाना खदी जाता हजरत खदीजा रज अल्लाह ता के ज़माने में उनकी जहरी हयात में ये तीन हमारे पास आया करती थी वई नसन अल अहद मिनल ईमान अहद ईमान का हिस्सा है यानी ईमान में से है कि जो इस तरह के तल्ल हैं उनको बरकरार रखना ये ईमान का तकाजा है तो जब खदीजतलकुबरा जिंदा थी तो इस घर में इनका आना इन्हें मासूस होता था कि इनको नवाज़ा जाता है तो खदीजा तोब्रा की अदम मौजूदगी में इन्हें ये एहसास ना हो कि अब मेरे लिए तो यहाँ अजनबीयत है और मुझे कोई जानता नहीं तो इस बुनियाद पर कि उस अहद में इसका आना था तो हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तहा की वजह से बादत विसाल हजरत खदीजा की इस सहेली के एहतमाम को भी मेरे दीन में एक मकाम दिया गया है और इस बुनियाद पर भी यानी दुखरान इस्लाम और उम्मत के लिए नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम अता फ़रमाया है सैयदा सदा ख़दीरतुल्कब्रा रदी अल्लाह अन्हा के लिहाज से नबी अकरम नूर मुजस्म शफी मज़्म स एक सवाल के जवाब में ये भी वजाहत फरमाई जब सवाल किया गया इब्ने हब्बान ने इसको रवायत किया है तबरानी ने भी सोइलान खदीजा था अनह मात कबल अन तुन जलल फ़रायज़ वल्लाह काम। सवाल किया गया कि हजत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा फ़राइज के नजूल से पहले फोत हो गई आहकाम के आने से पहले यानी अभी नमाज भी नहीं आई थी रोज़ा तो आई मदनी ज़िंदगी में तो मक्की ज़िंदगी में मेराज पे नमाज़ आई और उनका विशाल पहले हो चुका था तो शायल का यह मकसद था कि काश के उन्हें फ़रज़ का भी स्वाब मिलता आहकाम सारे उतरे हुए होते हज का भी स्वब मिलता ज़क़़़़़त का स्वाब मिलता इस लिहाज से यानी साइल तश्नगी महसूस कर रहा था तो इस तशनगी में ये सवाल किया नबी अक्रम नूर मुजस्म शफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायल की उस तश्नगी को दूर किया यानी उस वक़्त जितना दीन था उसके लिहाज से उनके सौ फीसद नंबर हैं अगरचे फ़रज़ बाद में आए तो इसका यह मतलब नहीं कि उनका दीन कोई नाकस है या उनका दीन कोई अधूरा है या इसी तरह दीगर लोग जो जिस जिस फ़र्ज के आने से पहले दुनिया से चले गए तो चूँकि फ़र्ज़ अभी आया ही नहीं था उस बुनियाद पर उन्हें किसी कमी का सामना नहीं होगा तो नबी अकरम सल्हसम ने फरमाया अब सर तो हा अलाहारन्ना खदीजतुल्कब्रदी तैंने अपनी आंखों से जन्नत की नहर पर देखा है अला नहरिहार जन्ना फी बिन कसा बिन उनके लिए रब ने घर बनाया है जन्नत में किस चीज का मुज्वफ़ हीरे का यानी जो अंदर से खाली हों हीरे हों लेकिन यूं हों जिस तरह के यानी पाइप होते अंदर से खाले फिर उन खाली उन से कोई चीज़ बनाई जाए तो वो कैसा है लालगवा फी है वाला नसब उस घर में बंदा उकताता नहीं और ना ही थकता है यानी ये उस घर की खसूसियत है अब दुनिया में कोई सोने का भी बना ले तो कौन गारंटी देगा कि बंदा उसमें उकताएगा नहीं कौन गारंटी देगा कि बंदा उसमें थकेगा नहीं तो कहा कि अल्लाह ताला ने ऐसा घर बनाया है हजरत खदीकब्र रदी ताला तहा के लिए ये मुकद्दस मकाम है उनका तो तुम यानी ये ना महसूस करो कि फ़राय अभी आए नहीं थे और वो दुनिया से चली गई तो अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं उन्होंने जो वक़्त पाया वो दूसरे नहीं पा सके यानी जिस जिस अवलीयत के अंदर जो उनके हिस्से में किरदार आया अब यहाँ पर मुहद्दसिन ने बहस की कि लफ्ज़ बैत इस्तेमाल किया गया बैत घर को कहते हैं जबकि अमूमी तौर पर जन्नत में महल्लात हैं लफ्ज़ कसर नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि लफ्ज़ बैत इस्तेमाल किया गया इस पर बहस करते हुए ये कहा गया कि असल में जो आमाल सालियाँ हैं जजा में ख़ुद उन्हीं को ही पेश नज़र उसी जिन्स को रखा जाता है तो यहाँ पर बैत का लफज इस्तेमाल करने की खास वजह है ये नहीं कि बैत से मुराद ये होगा कि फिर वो कोई कोठा है वो कमरा है आम सा यानी उस बैत पे हज़ारों महल क़ुरबान हैं, लेकिन कसर कहा नहीं गया कहा उसे बैत गया है सबब यह है लेकानत और रब तबैतिन कबलबी फ़सारत रबा तबैतन फिल्सम मुनफरदम बही के रुए ज़मीन पर वो घर के जिसमें इस्लाम हो और वो किसी बंदे के मिलक में हो तो वो बैत खदीजतुल्कब्र रदी तम यानी सब से पहले जब रसूल पाक सल वसम हरास है वाह के बाद आए हैं तो इस घर में आए हैं ये बैत जो था बैत खदीजा रद अनहा और वो उसकी मालिका थी रब्बा थी रबा, रबा तबैत कबलबस एलान नबूत उससे पहले वो उसकी मालिक थी और सरकार उसी घर में रहते थे और नसूल अक्रम सम जब आए हैं एलान नबूत के बाद तो ये घर पहला घर है जो इस्लाम का मरकज़ था जो इस्लाम की तजल्यात का गहवरा बना और मुन फ़रदम भी हजरत खदीजा इसमें मुनफरिद हैं कि पहला घर जहाँ इस्लाम का ऐलान हुआ वो घर हजरत खदीजा रजी अल्ल तहा का करार पाया है तो उसे बैत खदीजा कहते थे तो रब ने इनाम में भी बैत ही दिया है जो बत जन्नत के अंदर जो है वो बनाया गया कहते लम यकुन अलावचल अर्द फ़ी अवल यौमिन बोए सफ़ी रसूल अल्लाम बैतनफ़ी बैतहा कि जिस दिन नबी अकरम सल वसल्लम ने एलान नबूत किया उस दिन रुवे ज़मीन पर इस्लाम का इस घर के सिवा और कोई घर नहीं था ये पहला घर था इस्लाम का इस बैत की नस्बत से फिर जलाल ने जन्नत में भी इन्हें सबसे मुनफरिद मुनफरद बैत दिया कि जिसकी बनावट इस अंदाज़ की है और जिसकी सहूलतें इस अंदाज़ की हैं और यहाँ इमाम साली भी लिखते हैं यह फजीलतन माशारा कहा फ़ीआ एदैरू इस फजीलत में भी कोई और आपके साथ शरीक नहीं है हजरत खदीजा रजा त ये मकाम मरतबा भी रबाल की तरफ से नबी अकरम सल वम की नस्बत से मिला ये जो दार ख़दीदतुलकबरा है ये उम्मत में हमेशा महफूज रखा गया लेकिन ये नजदी हकूमत ने आकर इसको मिटाया मगर जब ये तोसी हो रही थी तो उस वक्त की जो तस्वीर हैं और इसके सारे हिस्सों का जो तयन है और उसकी तारीख है वो अभी यानी एक पूरी बहुत बड़ी किताब में छपी है लेकिन अफसोस यह है कि जहाँ हज़ारों आयात का नजूल हुआ जिस घर में सैदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताल की वलादत हुई जिस घर में कितनी बार जबरीलम आए तो वो जगह जो है उस जगह नजदी हुकूमत ने टैलेट बनाए यानी ये जो जहाँ पर सई ख़त्म होती है तो उसके बाद बहर निकलता अब तो मजीद वो मसा बढ़ा दिया गया है तो मरवा के इस तरफ जो टॉयलेट हैं सारे ये उस जगह है जो दार खदीजतुलकबरा रदी अल्लाह तह इतनी रूहानी जगह थी तो इस तरह की बहुत सी खिलाफ़ वर्जियाँ इन लोगों ने की हैं तकद्दस पामाल किया है और वो नतायज आज सारी उम्मत के सामने मौजूद हैं अल्लाह तिलाद हरमैन शरीफे कि रौनकों को बहाल फरमाए और पूरी उम्मत मुसलमा को खाल के कायनत जला जल्ल जलालता फ़रमाए हजरत सदा खदीरतुब्र रजील् ताल के मकाम व मरतबा को रबल मजीद बुलंद फरमाए और हमें आपके फ्यूज़ व बरक़ा से हिस्सा अता फ़रमाए वाखिर उदा वाहमदिल्ल रबालमी